Hey, what's up everybody? My name is Karan and welcome back to my channel again. My channel name is Exam Tapri. आशा करता हूँ आप लोग बहुत बेहतर होंगे, अच्छे होंगे और अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। तो यार देखो, अब क्या है, थापर की जो नोटिफिकेशंस हैं वो आ चुकी हैं। हालांकि मैं थोड़ा लेट हो गया थापर को कवर करने में, लेकिन आने वाले टाइम में थापर को, मणिपाल को, VIT को, SRM को, निर्मा, थापर, सारे कॉलेजेस को बहुत ही डिटेल में हम लोग कवर करेंगे। साथ ही साथ अगर आप अपने JEE मेंस की परसेंटाइल पे अपने प्रेफरेंस ऑर्डर या कॉलेजेस को देखना चाहते हैं या एक्सपेक्टेड कॉलेजेस को जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम का, आप सीधा वहां से हमसे जुड़ सकते हैं। और देखो, थापर की जो अगर आप वेबसाइट देखोगे तो वेबसाइट पर आपको सबसे पहले दिखेगा क्या, दिखेगा कि थापर ने लगाया हुआ है कि ऑन द बिहाफ ऑफ द 12th अप्लाई ऑन द बेसिस ऑफ 10+2 स्कोर, मतलब 10+2 के बिहाफ पे भी आपको BE एंड BTEC में आपको जो एप्लीकेशंस हैं वो ओपन हो जाएंगे। तो ठीक है, अब आपका क्वेश्चन होगा भैया ये ओपन कब होंगे। तो देखो, ओपन कब होंगे ये लोग, अगर आपने देखा होगा तो उन्होंने शुरुआत में ही 2 मई को जब उन्होंने एक नोटिफिकेशन रिलीज की थी तो नोटिफिकेशन उन्होंने साफ साफ लिखा था। क्या लिखा था देखो, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। सिलेक्टेड कैंडिडेट हैव टू पे द फीस ऑफ 22nd मई, उसके बाद क्या, एप्लीकेशन फॉर्म विल रिमेन क्लोज फ्रॉम 19th मई टू 16th मई एंड न्यू एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम 17th मई। तो 17th मई मतलब आज से जो है आपके जो है नोटिफिकेशन वाली जो चीजें है ना, मतलब 12th वाली जो 12th के बिहाफ पे भी अपनी परसेंटेज के बिहाफ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब 12th में आपकी जो भी परसेंटेज है उसके हिसाब से अब आप थापर में अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था और उससे पिछले साल भी हुआ, जब से कोविड हुआ है, कोविड के कारण तब से ये लोग 10+2 के बिहाफ पे भी एडमिशंस ले रहे हैं। अब देखो इसका इफेक्ट क्या पड़ सकता है। देखो यार, इफेक्ट तो सिंपल सी बात ये है कि जनरली हमने जो देखा है कि 10+2 के जो मार्क्स हैं उन मार्क्स को आप JEE के मार्क्स से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 10+2 इज अ टोटली डिफरेंट फॉर्मेट और JEE मेंस का जो एग्जाम है वो टोटली एक अलग फॉर्मेट है। तो JEE मेंस के में स्कोर करना एज कंपेयर टू 12th के एग्जाम में बहुत मुश्किल है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन सा कह लो मेरे हिसाब से, तो खैर कोई बात नहीं, चलो ठीक है। अब ये देख लो, 13 तारीख को जो इनकी कट ऑफ रिलीज हुई थी, इसमें सारे कट ऑफ यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। तो लगभग कट ऑफ अगर आप देखोगे तो लगभग लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग ही है, कोई बहुत ज्यादा चेंजेस इसमें नहीं है। कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू एंश्योर दैट दे विल फुलफिल ऑल द एलिजिबिलिटी रिक्वायर्ड लाइक 10+2 PCME JEE रिजर्वेशन। तो देखो रिजर्वेशन के लिए है सारी चीजें, इससे कोई बहुत ज्यादा मतलब है नहीं, आप लोगों ने पढ़ी लिया होगा क्योंकि अभी तक हम लोग वीडियो देख ली होंगे। 13 तारीख की नोटिफिकेशन है, आज 17 तारीख है। थोड़ा सा मैं आगे आ जाता हूं तो अगर यहाँ पे इन्होंने क्या दिया हुआ है कि मोड 1 जो उन्होंने दिया हुआ है 50। अब देखो मोड 2 जिसकी मैं बात कर रहा हूं आप लोगों के लिए, ये देख लो भाई, तो मोड 2 में क्या लिखा हुआ है, बेस्ड ऑन 10+2 PCM फॉर 50% ऑफ द सीट। अब 50% जो सीट जो इन्होंने दे रखी है वो किससे लेंगे, ये वो लेंगे भाई, ये वो किससे लेंगे, वो लेंगे ये 10+2 की जो आपकी जो परसेंटेज है ना उससे लेंगे। तो अब आपका एक मतलब दो तरीके से इसको आप देख सकते हो, या तो अपॉर्चुनिटी के तरीके से देख सकते हो, या देख सकते हो कि यार थोड़ा सा कहीं ना कहीं इनजस्टिस ये स्टूडेंट्स के साथ है, इससे बढ़िया थापर खुद का टेस्ट ले लेता और जो उसमें परफॉर्म कर लेता वो उसमें एडमिशन ले लेता। लेकिन चलो ठीक है, जिसके 10th में अच्छी परसेंटेज है भाई 10+2 में, तो उसको बहुत आसानी से यहाँ पे कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी है। मतलब अगर आपके 95-97% है तो बहुत ही बढ़िया ब्रांच आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसी कट ऑफ पे भी मैं आने वाले टाइम पे डिस्कशन करूंगा, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्या है, देखो 10+2 होनी चाहिए और मिनिमम कितनी परसेंटेज होनी चाहिए, मिनिमम उन्होंने दे रखी है 50% ऑफ द टोटल सीट विल बी फिल्ड बाय, मिनिमम 70% उन्होंने यहाँ पे दी हुई है। तो 70% मुझे लगता नहीं है कि मतलब बहुत बड़ा मुश्किल काम है, तो अप्लाई सारे कर सकते हैं। लेकिन पॉसिबिलिटी इनकी बनेगी, जिनकी अबव 90% परसेंटेज है उनकी अच्छी खासी पॉसिबिलिटी बनेगी। अब नीचे क्या लिखा हुआ, कैंडिडेट हु हैड नॉट अपीयर JEE मेंस विल बी कंसीडर, हाउ सच कैंडिडेट्स विल बी कंसीडर फॉर द एडमिशन द फॉलोइंग ब्रांचेस ऑन द बेसिस ऑफ TIET एंट्रेंस। अब देखो जो बच्चे JEE मेंस में जिन्होंने अपीयर नहीं किया ना, क्या लिखा हुआ वापस पढ़ते हैं, कैंडिडेट हुए हैड नॉट अपीयर, तो वो सिर्फ इन ब्रांच के लिए एलिजिबल है भाई, सिविल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, वो कंप्यूटर साइंस वाली जो ब्रांच इनकी जो यहाँ पे दिख रही होगी आपको, कहाँ गई, देखो यहाँ पे दिख रही है ना आपके, बाकी सी कंप्यूटर साइंस, COE, COPS, COSE, COBS, ये वाली जो ब्रांचेस है ना इनके लिए आप एलिजिबल नहीं हो। आप जो जिन ब्रांचेस के लिए एलिजिबल हो वो यहाँ पे उन्होंने
बता दिए, बायोमेडिकल हो गया, सिविल इंजीनियरिंग हो गया, केमिकल इंजीनियरिंग, हालांकि इनमें जाएगा कौन मैं ये सोच रहा हूँ, लेकिन जनरली बच्चों ने सबने अप्लाई किया ही होता है, तो इसमें भी एक अच्छी पॉसिबिलिटी आपको बन जाएगी। इन केस एनी स्टेट इशू सिंगल ट्रांसक्रिप्ट मेंशन द बेसिस ऑफ 10+1 10+2, इसका कोई मतलब ज्यादा है नहीं। बायोटेक्नोलॉजी प्रोग्राम मोड वन, अब देखो मोड वन बेस्ड ये नीट वालों के लिए है, और थोड़ा सा आप चाहो उसको और नीचे डिटेल्स में भी बढ़ सकते हो। तो मोड वन मोड टू में 30-30 सीट्स है टोटल, सीट्स का उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा तो ज्यादा आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएगी। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस, माय नेम इज करण, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। था पर के लिए कोई और नोटिफिकेशन आपको चाहिए, यू कैन जस्ट पिंग मी ऑन माय इंस्टाग्राम एंड ऑन माय व्हाट्सएप, एंड यू कैन जॉइन द व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एंड ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।